हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोंगो ट्रेक। दोस्तों, आज का इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अपकमिंग बाइक यामा R125 के बारे में। बहुत दिनों से न्यूज आ रहा है R125 को लेके। आपको शायद पता होगा, यामा ने हाल में ही R15 V4 और R15 M को लॉन्च किया है, जिसमें बाइक का लुक्स और परफॉर्मेंस काफी बेहतर मिला है। R125 इंटरनेशनल ऑटो मार्केट में काफी टाइम से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो यामा ने अभी कंफर्म नहीं किया है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने के लिए। R125 बाइक्स और R15 V4 के लुक्स के मामले में काफी सिमिलर होने वाला है। इस बाइक को थोड़ा अपग्रेड करने के बाद ही इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अगर इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कंपनी ने लॉन्च करती है तो क्या क्या नया फीचर्स देखने को मिलेगा, प्राइस क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग डेट कौन सी होने वाली है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि बाइक रिलेटेड वीडियो मिस ना हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजन के बारे में। इस बाइक में आपको 125cc लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक 4-वाल्व V6 कॉम्प्लायंट इंजन देखने को मिलेगा। इस बाइक में 15 PS की मैक्स पावर जो कि 10,000 RPM जनरेट करता है और मैक्स टॉर्क 11.5 Nm टॉर्क जनरेट करता है जो कि 8,000 RPM पे। इस बाइक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस बाइक में इंजन को लिक्विड कूल देखने को मिलेगा, फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिलेगा। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 125cc सेगमेंट में KTM ड्यूक 125 की इंजन में लिक्विड कूल मिलता है, लेकिन एप्रिलिया और 125 बाइक लॉन्च होते हैं तो उसमें लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा। लेकिन इंडियन टू व्हीलर मार्केट में KTM के अलावा 125cc सेगमेंट में किसी भी बाइक में लिक्विड कूल इंजन नहीं मिलता है। दोस्तों, इस बाइक के फ्रंट में आपको सिंगल प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिल जाता है जो कि R15 V4 में मिलता है, सेम देखने को मिलेगा। फ्रंट में डुअल DRL देखने को मिलेगा। फ्रंट में अपसाइड डाउन USD फोक्स मिल जाएगा। फ्रंट में 282mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाएगी। 220 रियर डिस्क देखने को मिलेगा। बात करें टायर के बारे में, फ्रंट में आपको 100x80 सेक्शन की टायर देखने को मिलेगा और रियर में 140x70 सेक्शन की टायर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस बाइक में TFT मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा जो R15 V4 में भी नहीं आता। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है जो कि 125 सेगमेंट की बाइक में किसी भी कंपनी ने नहीं दिया है। दोस्तों, अपकमिंग R125 बाइक और R15 V4 की लुक्स और डिजाइन की काफी सिमिलर होने वाला है, लेकिन दोस्तों जैसा 125 की सेगमेंट की बाइक है तो कुछ ना कुछ अलग देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्चिंग डेट के बारे में। दोस्तों, इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,30,000 से लेकर 1,40,000 के अंदर रहने वाला है। तो अब बात करते हैं लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो दोस्तों, ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इस बाइक को बहुत जल्द अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। ये बाइक 2023 के अंदर लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, फाइनली अगर ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आते हैं तो धूम मचाने वाली एक बाइक है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन ये बाइक को लेना चाहते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ड्राइव, टेक केयर, बाय बाय।